हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो है मेरे पति का कुछ स्पेशली खाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊं। एक्चुअली ऐसा हुआ कि सुबह आज हम लोगों ने बनाए थे चने, काली चने की सब्जी बनाई थी। तो एक्चुअली वो उस टाइम बहुत भारी हो रही थी, तो पति ने कहा कि चलो आज कुछ नया तरीके से कुछ बनाते हैं। तो मैंने समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या बना लूं, तो कुछ कोई सब्जी भी नहीं थी। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि चलो लौकी रखती है, लौकी का भरता बनाते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं आपको लौकी का भरता कैसे बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लौकी को मैंने पहले से ही उबाल लिया था और अब मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैं जीरा डाल देती हूँ, जीरे को मैंने भून लिया है। और अब मैं इसमें लहसुन डाल देती हूँ, और लहसुन हमारा हो गया है। अब मैं इसे प्याज डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी है और इसमें मैं अदरक डाल दूंगी, और इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल देती हूँ। और इसको हम चला लेंगे और स्वाद अनुसार हींग डाल देते हैं, और मैं थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं, और ऊपर से थोड़े से टमाटर भी डाल देते हैं, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। तो टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं और इसमें हम लौकी डाल देते हैं, और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। और मैं इसको अच्छे से कूट लेती हूँ और अच्छे से भून लूंगी। तो देखिए, लौकी हमारे अच्छे तरीके से भून चुकी है और ये भुनकर तैयार हो चुकी है। और देखिए फ्रेंड्स, और मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, भरता हमारे बनकर तैयार हो चुका है और कितना अच्छा लग रहा है ये। देखिए फ्रेंड्स, जो भी लोग लौकी खाना नहीं पसंद करते हैं, खासकर बच्चे, तो आप बच्चे को इस तरीके से बनाकर भी अच्छे तरीके से खिला सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी है। थैंक यू।